दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक केले को जनरेशन कैसे कर सकते हैं। आपने पिछले भाग में देखा कि मैंने एक इस केले की डंठल को लेकर के आया था। आप देख सकते हैं कि इस केले की डंठल में किस तरह से कितनी अच्छी रूट्स उभरी हैं, कितनी अच्छी जड़ें आई हैं। इस तरह से आप भी अपने घर पर या किसी खेत में अपने खेत में केले को लगा सकते हैं तथा उसे पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने कितना अच्छा अंकुरण फूटा है। इस तरह से आप देख सकते हैं इस केले में कितना अच्छा अंकुरण फूटा है तथा आप रूट भी इस तरह से जनरेट हुई हैं। आप देख, जनरेशन लगभग 25 से 30 दिन में हो जाता है, लेकिन किसी पशु ने इसे पहले इसे ऊपर से खा लिया था, इसलिए मैं इसकी वीडियो आपको पहले नहीं दिखा सका। दोस्तों अगर आप अपने इस पौधे से भी कोई और अन्य केले का पौधा तैयार करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ इस केले के पौधे के नीचे डंठल से के साथ में एक छोटी सी आँख उग चुकी है। जैसे आप पटाटो पर देखते हैं, इस प्रकार की आँख अगर किसी भी केले के पौधे के रूट पर हो तो वह पौधा दोबारा से जनरेशन हो सकता है। इसलिए हम इसको यहाँ से काट लेंगे, इसको कट कर लेंगे। इस तरह से कट करके हम इसको एक छोटे से इस बर्तन में रख करके इस तरह से लगा देंगे। इस डंठल को इस वाली आँख को ऊपर की तरफ कर देंगे, क्योंकि यहीं से हमारा जर्मिनेशन फूटेगा। इस तरह से आप एक दूसरा पौधा भी तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने जड़ को रोप करके इसमें कुछ सड़ी हुई खाद डाल करके तथा 10% मिट्टी मैंने इसमें मिलाई है तथा इसमें डाल दिया है। इस प्रकार से आप 25 से 30 दिन के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी जनरेशन फूट जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि जनरेशन कितनी अच्छी आई है, कितनी अच्छी फूट हुई है, वो आपको मैं 25 से 30 दिन के अंदर दिखाऊंगा। दिखाने के लिए इसको उखाड़ लिया था, अब आपको मैं दिखाऊंगा कि आप इसको दोबारा से किस तरह से इसमें रोप सकते हैं। इस तरह से आप दोबारा इसको रोप सकते हैं। आप इसको किसी नाले के बहते पानी के नाले पर लगाएंगे तो वह जल्दी से फूट करेगा तथा इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए आप भी ध्यान रखें कि केले को ज़्यादा पानी वाले स्थान पर लगाएं तथा केले के फायदे भी हैं। पानी वाले स्थान पर लगाने पर एक तो जल्दी अंकुरित होगा तथा इसके अंदर नज़दीक केचुए भी उत्पन्न हो जाएंगे। मैं और रोप करके ज़मीन में रोप करके कोई फंगिसाइड डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई फंगिसाइड नहीं है तो मेरे पास छाछ का फंगिसाइड था, मैंने इसमें डाल दिया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।